तो जब भी हम अपना घर खुद बना रहे होते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा ये कंफ्यूजन चलता रहता है यार कि पेंट पहले कराएं कि टाइल पहले लगाएं, फॉल सीलिंग पहले कराएं कि वायरिंग पहले कराएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 25 स्टेप्स बताने वाला हूं जो फ्रॉम स्क्रैच से लेकर टिल हैंडओवर तक, मतलब कि गृह प्रवेश तक होंगे, क्योंकि आपके इतने कमेंट्स आए हैं जिसमें आपने बार बार मुझसे पूछा यार कौन सी चीज मनीष पहले कराएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल कोच पे। मैं कंटेंट कोच एंड बिल्डिंग एक्सपर्ट मनीष सरावत, जाऊंगा बजट आपका डिजाइन हमारा। तो जब से पहला स्टेप होता है वो होता है पेस्टिंग ऑफ रेफरेंसेस और 3D डिजाइन या 2D ड्राइंग्स ऑन द वॉल। मतलब कि अगर हम अपना डिजाइन खुद से कर रहे हैं, अपनी खुद की क्रिएटिविटी लगा रहे हैं, तो जो भी आपने नेट से रेफरेंसेस चूज किए होंगे उसका आपको प्रिंट निकालना है और उसको उस वॉल पे लगा देना है, या फिर जो भी आपके डिजाइनर ने या हमने 3D डिजाइन दिए होंगे। तो सेकंड स्टेप होता है लाइन मार्किंग। लाइन मार्किंग का मतलब हो गया कि आपको अपने पूरे घर के अंदर फ्लोर पे एक मास्किंग टेप लगा देनी है। जैसे कि बेड अगर आप 6x6 का ले रहे हैं तो 6x6 का एक बॉक्स बना लेना है, साइड टेबल की साइज में अलग से टेपिंग चिपका देनी है। रीजन कि जिससे हमें यह पता लग जाए कि यार हमने कोई भी जो डिजाइन रेफरेंस चूज किया कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और वहां पे वॉकिंग पैसेज बच नहीं रहा और हमारा एरिया काफी क्लटर या मैसी हो जाए और डिजाइन सारे इम्प्रैक्टिकल हो जाए। और अगर आपका घर रॉ है, मतलब टाइल वाइल नहीं लगी है, तो आप चूना पाउडर जो है वो बहुत सस्ता आता है, 100-200 रुपए में काफी आ जाता है, वो उससे आप मार्किंग कर सकते हो। स्टेप 3 होता है प्रोटेक्शन शीट। अब जिन लोगों के घर में फ्लोरिंग ऑलरेडी हो रखे है तो यहाँ पे आपको एक ब्रांडेड कंपनी की प्रोटेक्शन शीट लगानी है जिससे कि आपकी टाइल या मार्बल वो प्रोटेक्ट रहे और उस पे किसी भी टाइप का स्क्रैच या ब्रेकेज ना हो पाए। स्टेप 4 आता है डिसमेंटलिंग। दैट्स राइट कि आपके यहाँ पे अगर मान लो वॉशरूम्स में टाइल उतरनी है, पुरानी किचन को तोड़ना है या कोई दीवार टूट के शिफ्ट होनी है, कहीं और बनना है, तो वहां पे आपको सारा काम सबसे पहले डेमोलिशन का करा लेना है। यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, पहले ही आपको ट्रॉली का ऑर्गेनाइज कर लेना है, और अगर आप कहीं अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फ्लोर्स हैं, तो आपको ये देख लेना है कि सारा मलबा डंप कहां करना है, और आपको एक कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लेनी, क्योंकि अक्सर अपार्टमेंट्स में आप मलबा खुले में नहीं ले सकते, उनको आपको बैग्स या कट्टों में फिल करके बाहर डालना होता है। तो अपने कॉन्ट्रैक्टर से रेट की पहले ही बात कर लेना। अब तक ये था फेज 1, अब स्टार्ट होता है यहां से फेज 2। तो यहां पे आता है हमारा स्टेप 5, मतलब कि बिजली का काम। यहां पे आपको सारे GIS के इलेक्ट्रिकल बॉक्स, मतलब कि दीवार के अंदर जो बॉक्स लगते हैं जिसके अंदर हम स्विच प्लेट को लगाते हैं, वो सारे बॉक्स, उसके पाइप सारे पहले हमें डलवा देने हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक, उन सारे एरिया जब पाइप्स लग जाएं सारे, उनकी फोटो खींचनी है। रीजन बाद में बताऊंगा। स्टेप 6 आता है हमारे पास, हमें करनी है यहाँ पे फॉल सीलिंग की फ्रेमिंग। सिर्फ फ्रेमिंग करनी है, बाकी काम नहीं करना है। स्टेप 7 के बाद हमें उस फॉल सीलिंग के अंदर पाइपिंग और वायरिंग को करवा देना है। रीजन बिंग, क्योंकि अगर बाद में कुछ कोई चीज कराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब फॉल सीलिंग फ्रेमिंग में जब वायरिंग हो गई है तो यहाँ पे आपको सारी चीजों का पहले एडवांस ऑप्शन सोच के चलना है। जैसे कि क्या आप वीडियो डोरबेल लगाने वाले हैं तो क्या उसकी वायर जाने वाली है, या फिर आपका टाटा स्काई की कोई केबल आ रही है, आपकी वाईफाई की कोई केबल आ रही है, अगर घर में CCTV लगा रहे हैं वो। स्टेप 8 आता है, जैसे हमारी सारी वायरिंग फॉल सीलिंग के अंदर हो गई है, अब हमें यहाँ पे फॉल सीलिंग शुरू कर देनी है। अब फर्क नहीं पड़ता चाहे वो जिप्सम हो या फिर POP। अब स्टेप 9 आता है कि हमें क्या करना है, AC कॉपर पाइपिंग करा लेनी है और उसका ड्रेन पाइप भी डलवा लेना है। और उसके बाद अगेन यहाँ पे आपको खींचनी है उसकी क्या फोटो। रीजन, सपोज करो आपका घर कंप्लीट है, आपने इन फ्यूचर सोचा चलो यार यहाँ पे ना कोई पेंटिंग डलवा लेते हैं या फिर यहाँ पे कुछ और चीज टंगा देते हैं, तो आपका कारपेंटर या इलेक्ट्रीशियन जो भी आता है वो एक कील उठाता है, दीवार में सीधा मारता है और पता चला आपके AC के ड्रेन पाइप को लीक कर दिया। अब स्टेप 10 आता है हमारा प्लम्बिंग। सबसे पहले आपकी सारी टाइल ब्रेकेज हम कर चुके हैं, तो सबसे पहले होगी आपका फर्स्ट कोट ऑफ वाटरप्रूफिंग, फिर होगा सेकंड कोट ऑफ वाटरप्रूफिंग विद फाइबर मैश जाली, थर्ड होगा आपका प्रोटेक्शन प्लास्टर। अब इसके बाद आपको अपने फ्लोर में सारे पाइप डलवा देने हैं। उसके बाद उसमें होती है खंगर फिलिंग। खंगर फिलिंग बेसिकली आप ब्रिक बेड, मतलब ईंटों के जो टुकड़े हैं वो डाल देना, इन फ्यूचर अगर सीपेज हो गई तो उसको एब्जॉर्ब कर सके। खंगर फिलिंग के बाद हमें कर देनी है वहां पे PCC एंड दैट्स इट। बाथरूम का फ्लोर हो गया रेडी और एकदम वाटर प्रूफ। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक कि जैसे ही पाइपलाइन कंप्लीट हो जाए उसमें आपको पानी चालू करवा देना। डोंट वरी, पाइप एंड हो जाता है, कैप लग जाती है जिससे पानी बाहर ना आए। स्टेप 11 आता है हमारे पास वॉल पनिंग, जो कि मैं अक्सर कहता हूं कि भैया आपको अगर घर लग्जरी देना है तो जो पेंट आते हैं महंगे महंगे एशियन पेंट्स के, जैसे रॉयल सीरीज चल रही है जिसकी 20 लीटर की बकेट आई थिंक 12-13 हजार रुपए की आती है, जबकि नॉर्मल 2,500-3,000 में आ जाती है। तो यहाँ पे पेंट की वैल्यू नहीं है, पेंट के बेस की वैल्यू है। अगर बेस अच्छा नहीं होगा तो आप पेंट कितना ही महंगा कर लो वो खराब हो जाएगा। तो मैं हमेशा कहूंगा गो फॉर POP पनिंग। और अगर आप POP पनिंग नहीं करा रहे हो तो नॉर्मल पुट्टी मत कराना, एक्रेलिक पुट्टी करा लेना। उससे क्या होगा, फिनिश और स्मूथ होती है। POP पनिंग के कंपनी तो थोड़ी कम ही रहेगी लेकिन अच्छी आ जाएगी, और वो भी सिर्फ
एक कोट। अब आती है हमारी फ्लोरिंग, क्योंकि तोड़ा फोड़ी सारे हो गए, टाइल या पत्थर लगाएंगे तो डैमेज हो सकता था, उसके बाद हम लगाएंगे स्कर्टिंग। लेकिन यहाँ पे अब जो ट्रिक आती है वो है कि लेवल को मेंटेन कैसे करके चलना है। ये लेके हमेशा चलना कि अगर आपका मान लो घर है तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर के फर्श पे पत्थर लगेगा, फिर स्टेयर केस पे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे लेवल आएगा, फिर फर्स्ट फ्लोर से आपके बाथरूम में, किचन में और बालकनीज में लेवल डिवाइड होगा। ये ना हो कि कल को आपका बाथरूम ऊपर आ जाए और आपका बेडरूम का लेवल नीचे रह जाए, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इसमें छोटी सी ट्रिक है कि अगर आपके यहाँ यूपीवीसी फ्रेम लग रहा है तो, या एल्यूमिनियम की विंडोज अगर लग रही हैं, तो यहां पे आपको हमेशा बॉर्डर में ग्रेनाइट का पत्थर देना ही देना है, टाइल नहीं डालनी है या कुछ और नहीं डालना है। रीजन क्यों, क्या, किस लिए, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। बाकी बाथरूम में फ्लोरिंग हमेशा जो वेट एरिया है जहां पे शावर आप लेने वाले, उसको बाथरूम की नॉर्मल फ्लोरिंग से 10 mm हमेशा डाउन रखना। स्टेप 13 की, हमारे पूरे घर में टाइलें लग चुकी है, पत्थर लग चुका है, तो अब यहां पे हमें दोबारा से क्या लगानी है, प्रोटेक्शन शीट, सो दैट कि हमारी फ्लोरिंग खराब ना हो। स्टेप 14 है, अब आपको क्या करना है, पूरे घर के टफन ग्लास के या मिरर्स के ऑर्डर दे देने। इसी के साथ आपको क्या करना है, स्टेप 15 में आपको यहाँ पे अपने किचन का भी ऑर्डर दे देना है, मतलब कि किचन, वार्डरोब, टीवी यूनिट, ये सारे अगर आप मॉड्यूलर फैक्ट्री फिनिश से करवा रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑर्डर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज जो भी किचन काउंटर टॉप पे लगाना है वो फिक्स करा लेना है। अब जैसे ही किचन के शटर्स, वार्डरोब के शटर्स जैसे रेडी लग गए हैं, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये सारे शटर को वापस खुलवाना है और बबल रैप से रैप करा के किसी सेफ एंड सिक्योर प्लेस पे रखवाना है। अब चाहे तो या तो अपने एग्जिस्टिंग किसी और घर में रखवाओ, किसी रूम में रखवाओ, लेकिन सेफ रखवाओ। स्टेप 17 में आपको क्या करना है कि अपने घर की सारी लाइट्स, वायर्स, स्विच सॉकेट सारे खरीद के ले आने, जो भी आपको मॉडल अच्छा लगे वो आप खरीद के ले आइएगा। स्टेप 18 आता है, अब यहाँ से जैसे हमारे स्विच प्लेट, वायरिंग, जो भी हमारा तोड़ा फोड़ी का जो माइनर एडजस्टमेंट का काम का हो चुका है, अब यहाँ पे हमें करना है क्या, तो यहाँ पहले करना है फर्स्ट कोट ऑफ चौक मिट्टी सैंडिंग, देन सेकेंड कोट ऑफ चौक मिट्टी सैंडिंग प्राइमर, देन फर्स्ट कोट ऑफ पेंट, एंड देन यहाँ पे आपको काम को कर देना है बंद। अब बंद क्यों करना है, वो इसलिए क्योंकि जो दीवार में हमें अंड्यूलेशंस दिखती है ना, वो अंड्यूलेशन लाइट्स में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। मान लो अगर हमने फाइनल कोट ऑफ पेंट कर दिया होता और लाइट्स बाद में लगाते तो लाइट लगने बाद अंड्यूलेशन ज्यादा दिखती है। तो पहला कोट पेंट होने के बाद आपको क्या करना है, सारी लाइट्स को लगवा देना है, एसी इंस्टॉल करा लेने हैं, मिरर इंस्टॉल करा लेने, सारी चीजें आपको करा लेनी है और सारी लाइट्स को ऑन करना है। अब यहाँ पे आपको बुलाना है अपने पेंटर को वापस। पेंटर क्या करेगा कि लाइट्स ऑन होने के बाद जहां जहां उसे अंड्यूलेशन दे रही है उसको वापस से चौक मिट्टी से रिपेयर करेगा, और साथ के साथ जब वो रिपेयर कर रहा होगा यहाँ आपकी सारी चीजें इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे शावर ग्लास पार्टीशन, आपकी यूपीवीसी की विंडोज, आपने अगर कोई पेंटिंग लगानी थी वो पेंटिंग को आप लगा चुके हो, उसको ठोक के कील, तो वहां से पेंटिंग वापस फिर निकाल लेनी है। रीजन बीइंग कि बाद में जब फाइनल कोट ऑफ पेंट हो तब वहां पे सिवाय पेंटर के कोई भी दूसरा आदमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां दूसरा आदमी है तो पक्का अपने हाथ को कहीं ना कहीं दीवार पे लगाएगा, पेंट खराब होगा और फिर आपके और पेंटर की लड़ाई की, ठीक नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो आप पे नाम डालेगा, वो उस पे नाम, तो ब्लेम गेम हो जाएगा। अब स्टेप 20 आता है हमारा फाइनल कोट ऑफ पेंट, कि हमारे पूरे घर में पेंट हो गया। स्टेप 21 में आता है हमारा डीप क्लीन, कि हमने डीप क्लीन बुलाया है, प्रोफेशनल्स को बुलाना, लोकल लेबर से कभी मत कराना। स्टेप 22 पे आपको करना है गृह प्रवेश, और यहाँ पे आपको अपने महल में जाके बस जाना है। स्टेप 23 पे आपको क्या करना है, एक बनानी है स्नैग लिस्ट। स्नैग लिस्ट मतलब कि आपको यहाँ पे आप अपने कॉन्ट्रेक्टर के टच में रहना है कि, और अगले एक हफ्ते तक आपको सारी चीजें यूज करके देखनी है। मान लो कोई भी चीज इशू आ रही है तो अपने कॉन्ट्रेक्टर को बताना है, वो उसको आगे आएगा, रेक्टिफाई करेगा, एंड काम खत्म। बाकी घर को, अब घर हमने बना लिया, पैसे हमने डाल दिए, बढ़िया काम कर दिया, लेकिन जैसे हम अपनी गाड़ी खरीदते हैं उसकी हर साल में सर्विस होती है, आरओ खरीदते हैं उसकी सर्विस होती है, हर चीज की सर्विस है, हमारी बॉडी की सर्विस है, तो घर की भी सर्विस होती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, उस वीडियो के अंदर टॉप 5 केमिकल जो आपके घर में होने चाहिए जिससे कि आपके घर की लाइफ बनी रहे, मेंटेनेंस फ्री रहे घर, और अगले 10 साल तक आपका एक रुपया भी जो हार्ड एंड मनी है वो घर में ना लगे और उसको आप अपना एंजॉय करो। बाकी अगर आप चाहते हो कि यार मनीष हमें कोई लिस्ट ऐसी मिल जाए तो मजा ही ना आ जाए, डोंट वरी, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर्स के ऊपर, जो 4 पार्ट या 5 पार्ट में आई थिंक वो वीडियो है, प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया, उसी प्लेलिस्ट में फर्स्ट या सेकंड पार्ट में नीचे डिटेल में एक एक्सेल शीट जुड़ी हुई है जो गूगल ड्राइव पे है, उसे डाउनलोड करो, स्टेप बाय स्टेप अपने घर को बनाओ एक सपनों का महल। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।